काम करता था, कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर में भी काम करने का मौका मिला, तो मेरे एक साथी कार्यकर्ता के रूप में कभी एक स्कूटर पर ट्रैवल करने का मौका मिलता था। बहुत छोटी आयु में जो इमरजेंसी में जेल में गए उसमें शमशेर सिंह जी थे, और इस सदन में शमशेर सिंह जी की उपस्थिति 96% है। ये अपने आप में, यानी जो दायित्व जनता ने उनको दिया उसको बिल्कुल 100% निभाने का प्रयास। मृदुभाषी हैं, सरल है, और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर से रिटायर होने वाले चार आदरणीय सदस्यों के लिए उनके जीवन का यह कार्यकाल सबसे उत्तम कार्यकाल है, क्योंकि इतिहास ने एक नई करवट बदली है और जिसके वो साक्षी बने हैं, सहयात्री बने हैं, ये उनके जीवन की बहुत बड़ी घटना है। श्रीमान गुलाम नबी जी, मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है जी, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा पैदा करना, ये सब मोह किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने सदन से, मैं शरद पवार जी को भी इसी कैटेगरी में रखता हूँ, वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे। गुलाम नबी जी ने बखूबी इस काम को निभाया है। मुझे याद है इस कोरोना काल में मैं एक फ्लोर लीडर्स की मीटिंग कर रहा था, तो उसी दिन गुलाम नबी जी का फोन आया कि मोदी जी, ये तो ठीक है आप करते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, सभी पार्टी लीडर्स की मीटिंग जरूर बुलाइए। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पार्टी लीडर्स के साथ, सभी पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठने का मुझे सुझाव दिया, और मैंने उस मीटिंग को किया भी, वो गुलाम नबी जी के सुझाव पर किया था। और मुझे कहने में, यानी इस प्रकार का संपर्क, और उसका मूल कारण है कि उनको दोनों तरफ का अनुभव रहा, सत्ता दल का भी और विपक्ष का। 28 साल कार्यकाल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत साल पहले की बात है, शायद अटल जी की सरकार होगी, मुझे याद नहीं रहा, मैं यहाँ सदन में किसी काम से आया था, मैं तो तब राजनीति में नहीं था, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं था, मैं संगठन का काम करता था। तो मैं और गुलाम नबी जी ऐसे ही लॉबी में गप्पे मार रहे थे, अब जैसा पत्रकारों का स्वभाव रहता है, बराबर नज़र लगाए बैठे थे कि ये दोनों का बेल कैसे हो सकता है। हम हंसी खुशी से बातें कर रहे थे, तो हम जैसे ही निकले तो पत्रकारों ने घेर लिया। गुलाम नबी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था, वो जवाब हम लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। उन्होंने कहा, भाई देखिए, आप लोग हमको अखबारों में या टीवी माध्यमों में या पब्लिक मीटिंग में लड़ते झगड़ के देखते हो, लेकिन सचमुच में इस छत के नीचे हम जैसे एक परिवार का वातावरण कहीं नहीं होता है। इतनी हमारी आत्मीयता होती है, इतने सुख दुख होते हैं, ये जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। गुलाम नबी जी का एक शौक शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, और कभी उनके साथ बैठोगे तो बताएंगे, हम सरकारी बंगलों में रहते हैं, तो बंगले की दीवारें, अपना सोफा सेट, उसी के आसपास हमारा दिमाग रहता है, लेकिन गुलाम नबी जी ने उस बंगले में जो बगीचा बनाया है, यानी एक प्रकार से कश्मीर की घाटी की याद दिला दे, ऐसा बगीचा बनाया है, और इसका उनको गर्व भी है, वो समय देते हैं
नई नई चीजें जोड़ते हैं और हर बार जब कंपटीशन होती है तो उनका बगलों रबर बल ले आता है। यारे अपने सरकारी जगह को भी कितने प्यार से संभालना, यानी बिल्कुल मन से उन्होंने इसको संभाला है। जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था, हमारी बहुत गहरी निकटता रही उस कार्यक्रम में। शायद ही कोई ऐसी घटना नहीं मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु ना रहा। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा साहब, अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए, रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया, वे एयरपोर्ट थे, एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता